यस बेटे, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अंडरलाइन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ओके, सो गौरिका. हाँ जी गौरिका, फर्स्ट सेंटेंस जल्दी से बताइए, इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है बेटा? सेंटेंस दे बोलिए एंड देन टेल मी. सेंटेंस पूरा बोलना आपने एंड देन टेल मी. फॉर विद करेज, करेज इज अ सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन. यस, करेज इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, तो करेज को हम, करेज क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों है? क्योंकि हम इसको अपने सामने नहीं देख सकते. ये नहीं है कि ये देखो ये सामने ये करेज है, नो. ओके, इट इज जस्ट एन आइडिया. ओके, हाँ जी बेटा, नेक्स्ट मुझे आंसर देगा आरिषि. आरिषि जल्दी से नेक्स्ट का आंसर दीजिए, क्विकली, जिसको मैं बोल रही हूँ क्विकली, यू आर टू अनम्यूट योरसेल्फ. हाँ जी बेटे आरिषि, क्विकली. और बेटा जिसको आंसर नहीं पता ना, यू जस्ट सिंपली टेल मी कि मैम आई डोंट नो द आंसर, डोंट वेस्ट द टाइम. ओके, नेक्स्ट इट विल बी टोल्ड बाय जगरीत. जगरीत जल्दी से बोलिए, जगरीत जल्दी से, जगरीत अनम्यूट योरसेल्फ बेटे. इट मींस आप लोगों ने काम नहीं किया है ना, आप लोगों ने काम नहीं किया, दैट इज वाई यू आर नॉट एबल टू गिव आंसर. दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू चेक टुडे. नमन ज्योत, नमन ज्योत, विजडम स्ट्रेंथ. बेटा पूरा सेंटेंस बोलो, आपको रीडिंग का भी पता चलेगा, पूरा सेंटेंस बोलिए. विजडम विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ. यस, अब यहाँ पे विजडम एंड स्ट्रेंथ ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. एब्स्ट्रैक्ट. ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड. हाँ जी थर्ड सेंटेंस, थर्ड देवांश सोनी विल स्पीक थर्ड सेंटेंस. देवांश जल्दी से बोलिए, देवांश सोनी जल्दी से आंसर बताइए. नाउ जस्ट सी, आप लोग इतने अटेंटिव हो क्लास में, वेरी नाइस वेरी नाइस. हाँ जी अभी देवांश विल नॉट टेल मी आंसर, धैर्य विल गिव मी आंसर. धैर्य धैर्य, गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून, जल्दी से आंसर बताइए बेटा. लॉटर बेस्ट, हाँ लॉटर इज द बेस्ट मेडिसिन. बेटा, दिस वर्ड इज लाफ्टर. लाफ्टर, लाफ से बना है ये, हंसना, लाफ्टर हंसी. ओके, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन. तो लाफ्टर यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और जो मेडिसिन है दैट इज अ कॉमन नाउन, क्योंकि मेडिसिन को हम अपने सामने देख सकते हैं. ठीक है, तो लाफ्टर है. प्रोनाउंस दिस वर्ड अगेन, फिर से बोलिए इस वर्ड को बेटा. लाफ्टर. लाफ्टर, लाफ्टर का मतलब हंसी. यस, नेक्स्ट नेक्स्ट मुझे खनक, खनक नेक्स्ट, जल्दी से बोलिए, जल्दी से जल्दी से. गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून बेटे, जल्दी से बोलिए आंसर. ही इज नोन फॉर हिज हनी हनीज. ऑनेस्टी, ऑनेस्टी बेटा, ऑनेस्ट वर्ड से बना है ऑनेस्टी, ये एक क्वालिटी है. ऑनेस्टी. यस, इट इज ऑनेस्टी. ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी. तो यहाँ पे कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन? ऑनेस्टी. ऑनेस्टी, ये एक क्वालिटी है. यस, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आंसर विल बी गिवन बाय सोहम. सोहम शी बोलिए, सोहम जल्दी से. पीपल लव हिम फॉर हिज काइंडनेस. काइंडनेस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. यस, काइंडनेस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अगेन दिस इज अ क्वालिटी. ओके, सो काइंडनेस जो है दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके, नेक्स्ट. और पीपल कौन सा नाउन है यहाँ पे? पीपल है कोई नाउन बेटा? सोहम बताइए, पीपल. मैम पीपल कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन? नो, पीपल क्या किसी चीज के ग्रुप को हम बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन का मतलब मैंने क्या बताया था कि एक ही कैटेगरी के जो ग्रुप होता है उस ग्रुप के लिए वन वर्ड जो हम यूज करते हैं. तो बेटा पीपल इज कॉमन नाउन, पीपल कॉमन नाउन. ओके, ठीक है बेटा, नेक्स्ट.
He has good knowledge of all the places. Viren. Viren. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, bete. Jaldi se bete answers bataiye fatafat. Ma'am, knowledge. Knowledge, yes. So knowledge kaun sa hai? It is abstract noun. Yes. Next. Aur places kaun sa noun hai? Places. Places kaun sa noun hai? Ma'am, common noun. Yes, it is common. Good. The king was known for his sincerity. Sincerity. Haan ji. Ye answer Ekam Chaklani. Jaldi se. Yes, ma'am. Answer bataiye bete. Ma'am, places. Beta, aap sunni na rahe dhyan se. Maine thodi batana. Aap dhyan se sunni nahi rahe. Yehi tarika hai mera check karne ka. कि कितने स्टूडेंट्स अटेंटिव है. म्यूट योर सेल्फ नाउ. मयंक, यू टेल मी. मयंक, क्विकली क्विकली गिव आंसर. मयंक, मैम, सिंसेरिटी. यस, सिंसेरिटी. सिंसेरिटी का मतलब जब हम किसी काम को बहुत सिंसियर होके बहुत ही ध्यान से करते हैं, इट मींस दैट क्वालिटी इज सिंसेरिटी. तो सिंसेरिटी इज यहाँ पे इट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नेक्स्ट, ही कुड नॉट हाइड हिज हैप्पीनेस. ही कुड नॉट हाइड हिज हैप्पीनेस. हाँ जी, सांजदीप. सांजदीप जल्दी से. सांजदीप. सांजदीप, हाँ जी, हाँ जी बेटे, बोलिए 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 बेटा. इस सेंटेंस में कौन सा है? Happiness. It is happiness. Happiness is abstract noun. Okay. ठीक है, ठीक है. Next. हाँ जी विजेंद्र बेटे, अब आपको कुछ समझ आ रहा है? Reading gives me pleasure. अब यहाँ पे बताइए कौन सा abstract noun. विजेंद्र कोशिश करो बेटे. Reading gives me pleasure. Rahul is the captain of team. बेटे बेटे ध्यान से सुनो, अभी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही खत्म नहीं हुए. सेंटेंस है रीडिंग गिव्स मी प्लेजर, इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है? ट्रुथ. प्लेजर. प्लेजर बेटा मुझे खुशी देता. क्या देता है? खुशी. ओके, तो ये एक फीलिंग है, इट इज खुशी. तो यहाँ पे जो प्लेजर है इट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नेक्स्ट, He always speaks the truth. ध्यान से सुनो और लिख रहे हो आप answers, mark कर रहे हो विजेंद्र? विजेंद्र बेटे, are you marking answers? बेटे mark कर रहे हो answers साथ साथ में? Yes, ma'am. विजेंद्र, give me response. हाँ जी. Yes, ma'am. Okay, okay. Mute yourself now. Mute yourself now. हाँ जी. He always speaks the truth. Here, yes. You are right. Some students are writing answer in chat box also. So it is, by the time you can type in chat box also, so it is, truth is abstract noun. अब ये जितने भी abstract noun होते हैं बेटा, उनको हम सामने physically नहीं देख सकते, उनकी कोई particular shape नहीं है. Okay, that is why they are different from concrete noun. बाकी की जो categories हैं वो concrete, उनको सामने हम देख सकते, right? Okay बेटा, next. बी पार्ट इज पिक आउट नाउन एंड टेल द काइंड. पिक आउट नाउन एंड टेल द काइंड. हाँ जी, फर्स्ट का आंसर बताइए. फर्स्ट का आंसर बताइए. अंशिका. अंशिका जल्दी से. फर्स्ट का आंसर जल्दी जल्दी. ओके राहुल. बेटे आपकी आवाज नहीं आती. आपकी आवाज आई थिंक हमेशा ये प्रॉब्लम होती है आपकी तरफ से. Okay, you can type in chat box also. Students can type in chat box also. So first ka answer kya hai? It is, yes, yes, Rahul proper noun. Very good. Rahul, kisi ka naam hai, Rahul proper noun. And then it is, aur bhi hai, isme aur jo hai, aapne sare likhne hai. Beta, number one dal ke, ye tino jitne bhi isme noun hai, wo aapne likhne hai. Okay. Captain common noun. Ma'am, okay. We have to do all this on notebook. Beta, you can mark there in the assignment also. No issues for that. Okay. Haan ji bete. So, okay. Captain common noun and team.
कलेक्टिव नाउन, वेरी गुड. सो आप अपने आंसर के आगे टिक कर सकते हो. राहुल प्रॉपर नाउन, कैप्टन कॉमन नाउन एंड टीम. जब ग्रुप ऑफ प्लेयर्स जो है उसके लिए वन वर्ड हम यूज कर रहे हैं टीम, सो दैट इज कलेक्टिव नाउन. ओके, सेकेंड सेंटेंस. सेकेंड सेंटेंस, मिस्टर रेड्डी ओन्स अ फ्लीट ऑफ लग्जरी कार्स. हाँ जी, मिस्टर रेड्डी, यस, जल्दी से टाइप कीजिए चैट बॉक्स में, जल्दी से. यस यस, क्विकली. ओके, वेरी गुड वेरी गुड. मिस्टर रेड्डी प्रॉपर नाउन, बिल्कुल ठीक है, मिस्टर रेड्डी प्रॉपर नाउन है. और कौन सा है इसमें नाउन, और कौन सा है? वेरी गुड वेरी गुड, ढूंढिए, शाबाश. ओके ओके, कार्स जो है, कार्स जो है दैट इज कॉमन नाउन. ओके ठीक है, फ्लीट नहीं है यहाँ पे, फ्लीट. फ्लीट कलेक्टिव नाउन, जो ग्रुप ऑफ कार्स, ओके, जिसके पास बहुत सारी ग्रुप ऑफ कार्स, उसके लिए हम वन वर्ड यूज करते हैं, दैट इज फ्लीट. सो फ्लीट इज कलेक्टिव नाउन. तो इस सेंटेंस में भी बेटे थ्री नाउन्स हैं, वन इज मिस्टर रेड्डी, सेकेंड इज फ्लीट, एंड थर्ड इज कार्स. ओके ओके बेटा, नेक्स्ट. हिज कॉन्फिडेंस इज हिज ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ. हां जी, हिज कॉन्फिडेंस, ओके, हिज कॉन्फिडेंस. ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन चैट बॉक्स. ओके वेरी गुड वेरी गुड. हिज कॉन्फिडेंस इज हिज ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ. ओके हां जी, वेरी गुड वेरी गुड. बेटा इट इज नॉट कॉन्फ्रेंस, एंड एब्स्ट्रैक्ट के भी स्पेलिंग ए बी एस टी आर ए सी टी, ये आपकी असाइनमेंट के ऊपर ही लिखा हुआ है, ध्यान से. ये तो नकल मार के काम हो जाना है, थोड़ा दिमाग लगाओ बच्चे. सो इट इज कॉन्फिडेंस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड स्ट्रेंथ इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके ओके, means a person who is confident, he possessive quality of confidence, okay, and the person who is strong, he has the quality, he has strength. Okay, next, the table is made of wood. The table is made of wood. अब ध्यान ये देना है, आप first word को भूल जाते हो, पीछे के वर्ड्स आप देख लेते हो, तो इसलिए आप पूरे काइंड वहां पे पूरे नाउन फाइंड ही नहीं कर पाते. यस यस, मेनी स्टूडेंट्स आर राइटिंग ओनली वुड एज मटेरियल नाउन. बेटा टेबल भी तो नाउन है, टेबल कॉमन नाउन एंड वुड मटेरियल नाउन. अब ये दोनों देखो, अब वुड यहाँ मटेरियल क्यों है, क्योंकि टेबल किस चीज से बना है, कौन से मटेरियल से बना हुआ है, ये वुड से बना है, तो ये मटेरियल नाउन. ओके जी, वेरी गुड. नेक्स्ट, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे. देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे. ओके हां जी, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे. ओके वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश. अब ये आंसर सही दिया ना, इकट्ठे दोनों फाइंड आउट किए नाउ, इकट्ठे दोनों फाइंड आउट किए. वन इज क्लास, क्लास इज कलेक्टिव नाउन, एंड स्टूडेंट्स भी तो है, स्टूडेंट्स क्या है, दैट इज कॉमन नाउन. स्टूडेंट्स कॉमन नाउन एंड क्लास कलेक्टिव नाउन. ओके नेक्स्ट इज एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट. एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट. ओके अब बताइए, अब यहां पे बताइए कौन सा है. एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट. हाँ बेटा, एल्बर्ट आइंस्टाइन तो आपने ढूंढ लिया, वो कौन सा है, काइंड भी बतानी है. सो इट इज प्रॉपर नाउन, वेरी गुड. एल्बर्ट आइंस्टाइन इज प्रॉपर नाउन. ओके, और साइंटिस्ट कौन सा है नाउन, साइंटिस्ट कौन सा है, साइंटिस्ट इज कॉमन नाउन. वेरी गुड अगेन गौरिका, गुड गुड गुड, दोनों इकट्ठे लिख रहे हो, शाबाश, दोनों इकट्ठे. बेटा ऐसे फिर पता नहीं चलेगा आपको कि एक सेंटेंस में दो है नाउन्स या तीन है, तो आप जब इकट्ठे उनको लिखोगे ना तभी आपको पता चलेगा. एंड दिस इज हाउ यू आर टू राइट इन योर नोटबुक ऑल्सो. आप ऐसे ही करते हो ना, दो कॉलम्स बना के नाउन एंड काइंड, उसके नीचे आपने लिखते जाना. वेरी गुड. नेक्स्ट,
We cannot live without water. We cannot live without water. हाँ जी ठीक है वेरी गुड वेरी गुड शाबाश. ये बाकी क्यों नहीं आंसर कर रहे, बाकी क्यों नहीं आंसर कर रहे? वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर गिविंग रिस्पॉन्सेज. वाई नॉट एवरीबडी, वाई नॉट एवरीबडी, वाई नॉट एवरीबडी? एवरीबडी शुड टाइप, एवरीबडी शुड. कि इतने मैसेजेस आ जाए मैं पढ़ी ना पाऊं, सबको आंसर देना है. यस वॉटर इज कॉमन नाउ, शाबाश वेरी गुड. हाँ जी, अ बंच ऑफ कीज हैज बीन लॉस्ट, अ बंच ऑफ कीज हैज बीन लॉस्ट. हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. इट इज, बेटे अब वॉटर वाला हो गया, नेक्स्ट पे चलिए. शाबाश शाबाश. अ बंच ऑफ कीज, बंच है कलेक्टिव नाउन, बंच कलेक्टिव नाउन, कीज कॉमन नाउन. वेरी गुड वेरी गुड. अब यहाँ पे सिर्फ बंच को नहीं मार्क करना, बंच है कलेक्टिव, जो चाबियों का गुच्छा, काफी सारी चाबियों के लिए जो हम वन वर्ड यूज करते हैं उसके गुच्छे के लिए, दैट इज बंच. ओके वेरी गुड. दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश. दिल्ली प्रॉपर नाउन, ओके ओके. इंडिया प्रॉपर नाउन, बिल्कुल ठीक है, दोनों कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों प्रॉपर नाउन हैं. वो कैपिटल बेचारी भूल गए, कैपिटल को छोड़ दिया बीच में, कैपिटल भी तो है, दैट इज अ कॉमन नाउन. ठीक है, कैपिटल को देखा, आप लोग क्या करते हो, मेन मेन वर्ड्स को ना उठाने तो भूल जाते हो बाकी. सो दिल्ली एंड इंडिया बेटे प्रॉपर नाउन है और कैपिटल जो है दैट इज कॉमन. ओके ओके नेक्स्ट. A herd of cattle is grazing in the field. Okay, ठीक है, शाबाश, very good, very good. A herd of cattle is grazing in the field. Steel बेटा कहाँ पे है? Steel तो कहीं पे है ही नहीं है. देवांश आप क्या लिख रहे हो? Steel तो कहीं पे है ही नहीं. So herd is collective noun, okay. Cattle, cattle, animals के लिए use किया जाता है ये, animals के लिए, ठीक है. A herd of cattle, cattle is common noun. And grazing in the field, field is again common, ठीक है. तो यहाँ पे again we have three nouns here. It is herd जो है that is collective noun, group of cattle, जानवरों के group के लिए हम जो वन वर्ड यूज करते हैं दैट इज हर्ड. कैटल है कॉमन नाउन एंड फील्ड भी है कॉमन. वेरी गुड वेरी गुड. इट मीन्स आपको सबको समझ आ गया, आपको सबको समझ आ गया. वेरी गुड वेरी गुड. हाँ जी, अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है दैट इज फिल कलेक्टिव नाउन्स. आपने कलेक्टिव नाउन्स फिल करने हैं यहाँ पे. कलेक्टिव नाउन आपको जैसे मैंने बताया है कि एक ही तरह की, एक ही कैटेगरी की जब चीजें होती हैं उनके लिए जो, उनके ग्रुप के लिए जो वन वर्ड यूज किया जाता है दैट इज, दैट इज बेटा नंबरिंग. नंबर डाल के आंसर आप चैट बॉक्स में डालो. आई डोंट नो कि वेदर यू आर गिविंग रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट और सेकेंड, सो यू राइट वन एंड देन टाइप योर आंसर इन चैट बॉक्स. सो इट इज अ डैश ऑफ शिप्स कॉमा कार्स. इसका क्या मतलब है कि शिप्स के ग्रुप को भी हम वही बोलते हैं और कार्स के ग्रुप को भी हम वही बोलते हैं. तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज अ फ्लीट. फ्लीट पहले भी आ चुका है ना, अ फ्लीट ऑफ शिप्स भी होता है, अ फ्लीट ऑफ कार्स भी होता है. ओके सो एफ एल डबल ई टी, वेरी गुड. हाँ जी सेकेंड का, अब टू डाल के आंसर लिखो. सेकेंड का आंसर अ डैश ऑफ फ्रूट ट्रीज. ओके ओके वेरी गुड वेरी गुड. स्पेलिंग ठीक, स्पेलिंग ठीक करो. स्पेलिंग ठीक नहीं है हृदया शर्मा, आई थिंक इट इज चेष्टा. स्पेलिंग ठीक नहीं है. ओके ओके, इट इज टू का आंसर है ऑर्चर्ड, ओ आर सी एच ए आर डी. फ्रूट ट्रीज के जो बाग होते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं ऑर्चर्ड. ओके हाँ जी बेटा, नेक्स्ट अ डैश ऑफ पपीज. A dash of puppies. हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड.
अब जिसने तो इधर उधर कोशिश की है ढूंढने की, बुक में भी कुछ दिए हुए हैं, उन्होंने आंसर लिख लिया है. इट इज अ नो नो कैनल नहीं होता बेटा. नो नो कैनल तो वो जगह होती है जहां पे रहते. अ लिटर ऑफ पपीज, लिटर एल आई डबल टी ई आर, लिटर ऑफ पपीज. वेरी गुड, अ लिटर ऑफ पपीज. नेक्स्ट, अ डैश ऑफ सेलर्स, अ डैश ऑफ सेलर्स. वेरी गुड, वेरी गुड. मयंक बेटा एक बार में ही आंसर ठीक है. आई थिंक यू डोंट नीड टू टाइप इट अगेन एंड अगेन द सेम थिंग. सो इट इज क्रू, सी आर ई डब्ल्यू. नाउ मयंक इज लाफिंग. ओके, इट इज क्रू, सी आर ई डब्ल्यू. ओके, क्रू ऑफ सेलर्स. हाँ जी, अ डैश ऑफ वुल्व्स, a dash of wolves. हाँ जी, okay, a pack of wolves. Very nice, very. But बेटा एक चीज ध्यान रखनी है, जब आप इसको असाइनमेंट में फिल कर रहे हो ना, तो a pack जब आप लिख रहे हो, कोई भी आप लिख रहे हो, आपका वो फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होगा. ये ध्यान रखना, वो फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होगा आपका. a pack of wolves. Okay, okay. नेक्स्ट, अ डैश ऑफ डियर, अ डैश ऑफ डियर. हाँ जी, अ वेरी गुड. इट इज अ हर्ड ऑफ डियर, हर्ड एच ई आर डी, अ हर्ड ऑफ डियर. ओके, नेक्स्ट एच ई आर डी, हर्ड. वो एच ई ए आर डी नहीं कर देना, वो हर्ड जो होता है वो हियर की सेकेंड फॉर्म होती है सुनने की, वो वर्ब हो जाएगा. तो इट इज हर्ड. हाँ जी बेटे, हाँ जी मैम, अ मॉब ऑफ डियर नहीं हो सकता? नो 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 नो, मॉब मॉब तो बेटा, मॉब का मतलब होता है दैट इज कि जब हम पब्लिक जिसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, वायलेंट लोग, उसको मॉब बोलते हैं. ठीक है, अ हर्ड ऑफ डियर. ओके, नेक्स्ट, अ डैश ऑफ बर्ड्स, a dash of birds. It is a flock. Sargun beta, mute yourself. Haan ji, flock of birds. It is a flock of birds. And last, a dash of rooms, a dash of rooms. Okay. हाँ जी, ठीक है. अब ओके, वेरी नाइस, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, आंसर आपका बिल्कुल ठीक है. नाउ हु विल प्रोनाउंस दिस वर्ड, एस यू आई टी ई. ओके सरगुन, ये बेटा अपने आप अनम्यूट नहीं करता सरगुन. हाँ जी बेटे, बताइए बताइए सरगुन, हाउ विल यू प्रोनाउंस दिस वर्ड? सूट. नो नो. ओके, कोई बात नहीं, सुनना ध्यान से सुनना. Anybody else wants to try? हाँ जी, हाँ जी. Yes, एकम, एकम बोलिए. Sweet. It is sweet. Yes, it is sweet. Okay? तो ऐसे इसको pronounce करते हैं. And with this, we complete our assignment. ठीक है, हमारी assignment हमने complete कर ली है. Yes, बेटे. On page number 89, it is forms of verb. Okay? So, आपने ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब लर्न करनी है. बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू टेल यू कि जब भी हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब, आपको क्वेश्चन कोई आता ना, तो आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब के जो ऊपर हेडिंग दी होती है उसको जरा ध्यान से पढ़ो. देखो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के लिए दे हैव रिटन सिंपल प्रेजेंट. ओके, सो इट मीन्स जो फर्स्ट फॉर्म होती है दैट इज प्रेजेंट, सेकेंड फॉर्म इज पास्ट, एंड द थर्ड फॉर्म इज पास्ट participle. So you are asked question, जब आपको forms of verb के लिए question दिया जाता है, आपको question ये दिया जाता है, write past and past participle forms of the following verbs. Okay? तो आपने past and past participle, इन्होंने continuous form भी दी हुई है, that you don't need to that just cram that thing, आपने वो नहीं करनी है, उसको आप छोड़ दो. आप जैसे फर्स्ट जैसे दिए हुए एक्ट, एक्ट की फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या है? एक्ट, एक्टेड, एक्टेड, एक्ट करना. ठीक है, कोई एक्टिंग करना.
किसी काम को करना, एक्ट करना. सो इट इज एक्ट, एक्टेड, एक्टेड. ये देखो ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब को ना क्रैम कर लो बस, आते जाते बस बोलते रहो तभी आपको, बिकॉज द थिंग इज जब आप लिखना शुरू करते हो ना किसी सेंटेंस में, तभी बहुत सारे बच्चे टीच की जो फॉर्म है वो लिख देते हैं टीच्ड, जबकि टीच की फॉर्म होती है टॉट, टी ए यू जी एच टी. तो अगर आपको ये चीजें क्रैम की होंगी, अगर आपने ये चीजें क्रैम की होंगी तो आपको फिर फॉर्म्स ऑफ वर्ब करने में कभी भी सेंटेंस में लिखने में गलती नहीं होगी. ओके, टेक का टेक्ड लिख देते हैं. टेक की पता है किसी को फॉर्म क्या होती है? टी ए के ई, टेक. टेक की फॉर्म क्या होती है? हाँ जी लिखिए, लिखिए यहाँ पे. यस वेरी गुड. थर्ड भी लिखनी है, पास्ट पार्टिसिपल भी. जब हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब की बात करते हैं ना, इट मीन्स प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल. सो इट इज वेरी गुड. टेक, टुक, टेकन. बट जिसने अच्छी तरह से क्रैम नहीं की हुई वो टेक, टेक्ड, टेक्ड कर देगा. तो ये गलती नहीं करनी. ओके, नेक्स्ट वर्ड है एड. एड इज जोड़ना, एड, एडेड, एडेड. थर्ड वर्ड इज एडवाइज. ये हमने किया ना मेक सेंटेंसेस में भी, ए डी वी आई एस ई, एडवाइज. किसी को कुछ एडवाइज करना, किसी को कोई शिक्षा देना. ठीक है, तो इट इज एस से होता है वर्ब, सी ई क्या होता है? नाउन. सो एडवाइज, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड. साथ में बोलो बेटा, साथ में बोलो. आपके सबके सामने बुक है तो आप साथ में बोलो, एडवाइज, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड. नेक्स्ट अग्री. अग्री मतलब किसी चीज के लिए मान जाना. अग्री, अग्रीड, अग्रीड. नेक्स्ट अलाउ. अलाउड. अलाउ का मतलब किसी को किसी चीज की परमिशन दे दे, परमिट इसका वर्ड हो सकता. और अलाउ, अलाउड, अलाउड. नेक्स्ट है अपियर. अपियर मतलब प्रकट हो जाना. अपियर, अपियर्ड, अपियर्ड. ए डबल पी ई ए आर ई डी. अपियर, अपियर्ड, अपियर्ड. अरेंज. अरेंज मतलब किसी चीज को टिकाना प्रॉपर. सो अरेंज, अरेंज्ड, अरेंज्ड. ओके बेटा जी, स्टॉप टाइपिंग इन चैट बॉक्स प्लीज. डोंट टाइप एनीथिंग, डोंट टाइप, नो नीड टू टाइप एनीथिंग इन चैट बॉक्स. नेक्स्ट इट इज अराइव. अराइव का मतलब होता है पहुंचना किसी जगह पे, किसी जगह पे पहुंचना. तो अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड. एंड अवेक. अवेक इज जागना. अवेक इज जागना. अवेक, अवोक, अवोकन.